तंग 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 तंग। अंगद तुम यहाँ और ये क्या लेकर आए हो? अभी बताता हूँ। ये उन कामों की लिस्ट है जो मैंने अपने आप को तुमसे रिप्लेस करके कर दी। मतलब? सिलेंडर चेंज कर दिया। तुमने सिलेंडर चेंज किया? अरे रुको रुको, अभी और भी बहुत कुछ है। लॉन्ड्री के लिए कपड़े दे दिए, राशन भर दिया, सब्जियां धो दी। एंड फाइनली मैंने लल्लू लाल को बोल दिया है कि 3 लीटर दूध ज्यादा लगेगा। लेकिन अंगद तुमने ये सब क्यों किया? अभी बताता हूँ। अगर ये सब कुछ मैं ना करता तो ये सब कुछ तुम करती, और अगर तुम ये सब कुछ करती तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए 2 मिनट भी नहीं होते। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए 2 मिनट भी नहीं होते तो हम प्यार की बातें कैसे कर पाते? हम लव वर्ड्स की तरह वादियों में जाएं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कितना मजा आएगा। भेलपुरी खाती तुम? अंगद सही तो कह रहा हूँ, मेरी बेटर हाफ मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। हम दोनों अगर ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे तभी तो प्यार बढ़ेगा, तभी तो मजा आएगा जिंदगी का, यू नो। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटर हाफ मुझे बताए कि उसके प्रिंस चार्मिंग से शादी करने के बाद उसे कैसा लगेगा। ऑफकोर्स अच्छा लगेगा, खुशी भी होगी, लेकिन लेकिन अब भी लेकिन अंगद तुम सोचो ना, क्या क्या ये सही समय? पृथ्वी चाचू को इतना बड़ा हार्ट अटैक आया, वो अभी हॉस्पिटल में है, वो भ्रम राक्षस वो अभी भी आजाद घूम रहा है। माँ कसम, तुम्हारे ये पृथ्वी चाचू ना मुझे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस मैन लगते हैं। मुझे अभी हॉस्पिटल में हो या मुर्दा घर में हो या बाथरूम में भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अंगद प्लीज, तुम पृथ्वी चाचू के बारे में ऐसी बातें मत करो। छोड़ो, तुम्हारे चाचा की मदर जाए, तुम ब्रह्म राक्षस की बात करो। ब्रह्म राक्षस को क्या चाहिए? तुम। मुझे क्या चाहिए? तुम। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी और मेरी जिंदगी में आ जाओगी तो ब्रह्म राक्षस तुम्हारी जिंदगी से ऑटोमेटिकली चला जाएगा ना। गेटिंग? अब जब मियां बीवी काजी तो क्या करेगा राजी? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तुम समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई। सॉर्टेड। लेकिन अंगद अब तुम भी उस राक्षस से कॉम्पिटिशन करने लगे। कॉम्पिटिशन अंगद किसी के साथ नहीं करता। अंगद के सामने कोई आ जाता है और स्पेशली जब हमारे प्यार के बीच में कोई आ जाएगा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्यों, तुम्हें अपने प्रिंस में भरोसा नहीं है? है ना? गुड। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन है, शादी कैसे करनी है? मतलब भाग के करनी है, सब लोगों के साथ में, रीति रिवाजों के साथ करनी है, या आइडिया अभी कर लेते हैं? नहीं अंगद ऐसे नहीं, सही मुहूर्त पे करेंगे ना, सबके सामने सबके साथ रस्मों कस्मों के साथ। और शादी के बाद? ओह गॉड। क्या हुआ अंगद? वो पृथ्वी चाचू आने वाले, मैं जाती हूँ। आई कांट बिलीव, ऐसा आदमी जो सारी जिंदगी तुमसे ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराता रहा, ऐसा आदमी जो सारी जिंदगी तुम्हें अलग अलग तरीके के धोखे देता रहा, तुम अभी भी उसकी केयर कर रही हो? अंगद मुझे सब याद है, कि ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त पे ना मैं अपने सारे सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन अभी नहीं, मैं जाती हूँ। अरे ओ सुनो, ना 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 जी ना, इतनी आसानी से लड़की हाथ में नहीं आने वाली, कुछ तो करना पड़ेगा। आई आई, हाँ आराम से आराम से आराम से, आई आई, बस बस आई आई, बैठ जाइए, लीजिए पानी। सर पानी। चाचा जी आराम से। कांपते हुए हाथों पर मत जान, तेरा कन्यादान करते हुए मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे। अच्छा चलिए आराम करते हैं, चल उठ जरा हाथ। आइए आइए आइए, डॉक्टर ने बोला है ना आराम करने के लिए, आइए आइए। पृथ्वी चाचा जैसे इंसान को तुम्हारी शादी में क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो चाहते हैं कि तुम अंगद से खास मुहूर्त में शादी करो, और उस खास मुहूर्त में वो अंगद का शरीर, मेरा मतलब है कि रूप ले ले और तुमसे शादी कर ले।